So in the previous video, we were thinking, is 100 our magic number? क्या कभी हमारा total cost, जो क्या होता है? Total cost of purchasing the raw material, plus total cost of ordering the raw material, plus total carrying cost of the raw material. क्या हमारा total cost कभी भी 100 की जो हमारी units की quantity थी, उससे और भी सस्ता हो सकता है? So we were trying to find out, is 100 the magic figure for us or there can be some other figure. Well, इस चीज को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं मेरे पास. एक है रैंकर्स अप्रोच, जो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं. Anyone who wants to get a rank in their CA curriculum, आपको इस तरीके से सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा, इस तरीके से अपनी सोच डेवलप करना स्टार्ट करना पड़ेगा. एंड मैं इसी टॉपिक को मैं एक और वीडियो में सिखाऊंगा, इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में. एंड दैट इज फॉर द पीपल हु जस्ट वॉन्ट टू पास. So, आप अभी डिसाइड कर लीजिए. इफ यू वॉन्ट टू स्कोर अ रैंक, इफ यू वॉन्ट टू लर्न हाउ रैंकर्स थिंक, यू गॉट टू सी दिस वीडियो. एंड इफ यू थिंक नहीं नहीं यार मुझे तो सिर्फ पास होना है, आप ये वीडियो स्किप कर दीजिए. आपको अकेडमिकली एक मार्क का भी हर्ट नहीं होगा, उसकी गारंटी मैं देता हूं. नेक्स्ट वीडियो में आप ये समझ जाएंगे. सो इफ यू आर स्टेइंग बैक, रिमेंबर यू गॉट टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस. ओके, सो व्हाट वॉज आवर बेसिक क्वेश्चन? इज 100 आवर मैजिक फिगर? Is there any other figure जो हमें better satisfaction दे सकता है? Better satisfaction as in कि मेरा जो total cost है, that should be less than the total cost as 100 वाला. So just to revise you, मैं आपको बता देता हूँ हमारे 100 पे क्या costing आ रही थी. जब हम एक साथ 100 units order करते थे, when our quantity was 100, our total purchasing cost of the raw material was, हमें 50,000 units लग जाता था. हमारा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या था? तो हम ऑर्डरिंग कॉस्ट को वापस ध्यान रखते हैं. हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या था? मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट, जो भी मेरा रॉ मटेरियल का है, डिवाइडेड बाय मैं एक बार में कितनी क्वांटिटी करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय माय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, जो मेरा क्या था, बी. दिस को अगर मैं करूं तो दिस वॉज इक्वल्स टू, मेरे को साल में 5,000 यूनिट्स चाहिए थे, डिवाइडेड बाय माई क्वांटिटी. वॉट वॉज माई क्वांटिटी? आई एम ऑर्डरिंग 100 यूनिट्स एट अ टाइम, बराबर मल्टीप्लाइड बाय मेरा क्या हो गया यहां पर, 16. एंड इसका जो मेरा आंसर निकल कर आया, ये क्या निकल कर आया, 800 निकल कर आया. अनादर हम कैरिंग कॉस्ट की तरफ देखते हैं. कैरिंग कॉस्ट में हमने क्या देखा था? वी फाउंड आउट कि हमें एवरेज क्वांटिटी फाइंड करनी पड़ेगी. एवरेज क्वांटिटी क्या है? क्योंकि मैक्सिमम मेरी ही क्वांटिटी और मिनिमम जीरो है, एवरेज क्वांटिटी क्या होगी? जो क्वांटिटी मैं ऑर्डर कर रहा हूँ डिवाइड बाई 2 इंटू सी, ये होगा मेरा टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालने का तरीका. जो यहां पर मैं सब्सटीट्यूट करूं तो क्या हो जाएगा, मैं क्या क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा हूं, एक बार में मैं 100 क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा हूं, 100 डिवाइड बाय 2 इनटू सी, सी वाज माय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम व्हिच वाज 4, एंड हेंस जो मेरा कैरिंग कॉस्ट निकल कर आ रहा था, वो मेरा कैरिंग कॉस्ट कितना निकल कर आ रहा है, मेरा कैरिंग कॉस्ट 200 का निकल कर आया, एंड हेंस माय टोटल कॉस्ट वाज 51,000. करेक्ट. तो मैंने एक चीज समझी, कि भाई जैसे मेरा ऑर्डर साइज अगर छोटा होगा ना, तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट तो ज्यादा होगा, पर मेरा कैरिंग कॉस्ट कम होगा. अब इसको क्या मैं कोई मीनिंगफुल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करके सोच सकूं? तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, सपोज कैन आई मेक अ ग्राफ लाइक दिस, जिसमें मैं यहां पर क्वांटिटी लेता हूं, कि मैं छोटी क्वांटिटी, फिर उससे थोड़ी बड़ी क्वांटिटी, उससे थोड़ी बड़ी क्वांटिटी, उससे थोड़ी बड़ी क्वांटिटी, उससे थोड़ी बड़ी, मतलब कि मैं 100 क्वांटिटी ऑर्डर करूंगा, 200, 300, ऐसे करते करते मैंने अलग अलग क्वांटिटीज ले ली. और क्या मैं यहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का ग्राफ बना सकता हूं? मतलब ये वाला जो मेरा एक्सिस हो गया, मेरा वाई एक्सिस, दिस वाई एक्सिस इज फॉर माई कॉस्ट, एंड दी एक्स एक्सिस जो है ये मेरी किस पे हो गई, क्वांटिटी पे हो गई. अब मैं एक चीज तो बहुत अच्छे से समझा था कि नहीं समझा था, दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट. और मैं एक और चीज समझ गया था, जैसे जैसे मेरी क्वांटिटी बढ़ेगी, मतलब मैं एक बार में ज्यादा मंगाऊंगा, क्या होएगा, मेरा टोटल कैरिंग कॉस्ट ऊपर जाते जाएगा. और जैसे जैसे मेरी ज्यादा क्वांटिटी आएगी, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, मेरा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होते जाएगा. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस, कैन आई थिंक ऑफ समथिंग लाइक दिस, कि अगर मैं 100 क्वांटिटी ऑर्डर करता हूं तो मेरा कैरिंग कॉस्ट क्या होगा, थोड़ा कम होगा. देखो यहाँ कम कॉस्ट, थोड़ा ज्यादा कॉस्ट. 200 करूंगा तो थोड़ा यहाँ होगा, 300 थोड़ा यहाँ, 400 थोड़ा यहाँ, 500 ज्यादा. तो अगर मैं अपना टोटल कैरिंग कॉस्ट कर्व बनाऊं, तो क्या मेरा टोटल कैरिंग कॉस्ट कर्व कुछ ऐसा नहीं होगा, अपवर्ड राइजिंग?
इसको हम क्या बोल देते हैं, हमारा टोटल कैरिंग कॉस्ट का हमारा कर्व। एंड सिमिलरली क्या हमारा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का कर्व कुछ ऐसा नहीं होगा? अगर आप छोटा ऑर्डर मंगाओगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा, थोड़ा जैसे जैसे आप बड़ा ऑर्डर साइज करते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, आपका ऑर्डर का जो है कॉस्ट वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो क्या आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा नहीं होगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का? करेक्ट। अगर मेरे पास टोटल कैरिंग कॉस्ट है, मेरे पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है, तो क्या मैं ग्राफ ऑफ टोटल कॉस्ट बना सकता हूँ? एग्जैक्टली वो कुछ ऐसा होगा टोटल कॉस्ट का जो ग्राफ होगा। एंड टोटल कॉस्ट जब लीस्ट है, जब टोटल कॉस्ट लीस्ट है, मुझे तो यही फाइंड करना है ना। माइंड यू बैक अगेन कि मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरा टोटल कॉस्ट 51,000 से भी कम चाहिए। सो जब टोटल कॉस्ट मेरा लीस्ट है, दैट इज माई मोस्ट एडवांटेजियस प्लेस। अगर मैं वहां से एक डॉटेड लाइन बनाऊं किसकी तरफ, क्वांटिटी की तरफ, तो मुझे मिल जाएगा ना, दिस विल बी माई गोल्डन क्वांटिटी एज पर दिस ग्राफ, जो भी है मेरा ग्राफ है। पर इसमें जो मुझे सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग बात लगी वो ये लगी कि जब मेरा टोटल कॉस्ट लीस्ट था ना, और अगर मैं वहां से लाइन बनाकर देख रहा था ना, तो मैंने क्या ऑब्जर्व करा, दैट इट इंटरसेक्टेड। किसको वो इंटरसेक्ट कर रहा था? जब टोटल कैरिंग कॉस्ट और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम थे। सेम थे मतलब देखो, टोटल इस पॉइंट पे टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या है, ये है, एंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, ये है। दैट मीन्स इस पॉइंट पे मेरा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट दोनों क्या है, मेरे लिए सेम है। दैट मीन्स द पॉइंट वेयर माई टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड माई टोटल कैरिंग कॉस्ट इज सेम इज गोइंग टू बी माई लोएस्ट पॉइंट ऑन माई इज गोइंग टू बी द लोएस्ट पॉइंट ऑन माई टोटल कॉस्ट। आया समझ में? मतलब एक मुझे बहुत जोरदार चीज समझ में आ गई कि टोटल कॉस्ट अगर मेरे को लीस्ट चाहिए ना, तो वो एक ऐसा पॉइंट होएगा जब मेरा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और मेरा टोटल कैरिंग कॉस्ट सेम होगा। अब इसके बेसिस पर मैं कुछ थोड़ा दिमाग लगा सकता हूँ। देखो, क्या मुझे पता है ना कि टोटल मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है? मुझे पता है मेरा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय मेरी क्वांटिटी जो मैं मंगाने वाला हूँ इनटू बी। और मेरा टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, जो क्वांटिटी मैं मंगाने वाला हूँ डिवाइड बाय 2 इनटू सी। तो ये मेरा क्या हो गया टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये मेरा क्या हो गया टोटल कैरिंग कॉस्ट। अगर मैं इसको इक्वेट करके कुछ निकाल पाऊँ, देखो इस इक्वेशन में क्या अननोन है, मेरे पास ए है, यस रिमेंबर हमारा ए क्या है, तो हमारा ए है साल का 5,000 रॉ मटेरियल हमको चाहिए था। क्या मेरे पास क्यू है? नहीं, क्यू तो मुझे निकालना है। क्या मेरे पास बी है? यस आई डू हैव बी, व्हाट इज माय बी, 16 बराबर। क्या मेरे पास क्यू है? नहीं, क्यू तो मुझे निकालना है। क्या मेरे पास टू है? टू तो कांस्टेंट है तो सबके पास है। क्या मेरे पास सी है? हाँ सी भी मेरे पास है, और सी क्या था मेरे पास, 4। तो कैन आई यूज दिस, क्योंकि एक इक्वेशन में अगर एक ही अननोन है तो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। सो थोड़ा इसको मैं और अच्छे से लिख के आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, दैट ए बाई क्यू इन टू बी शुड बी इक्वल टू क्यू बाई टू इन टू सी। देयरफॉर कैन आई डू दिस कि मैं क्यू को इस साइड रख लेता हूँ, तो यहाँ मेरे लिए क्या हो गया ए इन टू बी, ये सी वहाँ भेजेंगे तो क्या आएगा डिवाइड बाई सी, और ये टू वहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा इन टू टू। तो ये क्या हो गया a into b into 2 divide by c is equals to q into q। आया समझ में? is equals to q into q। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, therefore q square is equals to 2ab by c लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, therefore my quantity is equals to under the root 2ab by c। मतलब मेरी magic quantity वो होनी चाहिए जिसमें मेरा लीस्ट कॉस्ट हो। तो मेरी मैजिक क्वांटिटी क्या है, q इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 2ab बाय c। निकालते हैं मेरा क्या हो जाएगा, 2 तो मुझे पता ही है वो 2 है, a मेरे लिए क्या है, a मेरे लिए है 5000, तो 5000। b मेरे लिए क्या है, b मेरे लिए 16 है, 16 डिवाइडेड बाय c, c मेरे लिए क्या है 4। सो इफ आई डू दिस व्हाट डज माय आंसर कम, सो लेट्स कैलकुलेट दिस। इफ वी कैलकुलेट दिस, दिस इज गोइंग टू बी 2 into 5000 into 16 divided by 4 under the root, this gives me 200। मतलब मेरा जो EO, मेरा जो सबसे बेस्ट क्वांटिटी है, मेरी जो सबसे बेस्ट क्वांटिटी है वो कितना निकल कर आया, 200 as per my thinking, कि जो मेरी फॉर्मूला की थिंकिंग थी। ये 200 की क्वांटिटी सही है
या ये 200 की क्वांटिटी सही नहीं है, ये हम टेस्ट करेंगे. बट ऑल दोस पीपल जिन्होंने ये वीडियो देखा है वो नेक्स्ट वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं ये डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला नहीं सिखाने वाला हूँ. आई विल से यू वेरी बेसिक थिंग, राइट? सो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, स्किप द नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको देखना तो देख भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. बट यू कैन स्किप द वीडियो एंड गो डायरेक्टली टू वन, एक वीडियो छोड़ के आप अगले वीडियो तक पहुंच सकते हो, वेयर वी विल टेस्ट वेदर 200 वॉज द मैजिक क्वांटिटी और 100 वॉज द मैजिक क्वांटिटी.